हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैनिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है सुकवानी स्काईलाइंस एट वाकड़ इन पुणे बाय सुकवानी डेवलपर्स। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, सुकवानी स्काईलाइंस यहाँ पर आपको प्रीमियम 2 और 3 BHK के फ्लैट्स है। ये जो प्रोजेक्ट है ये करीबन 6.5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है और इसमें टोटल 7 टावर्स है, जिसमें पहले के 3 टावर्स जो है A, B और C का डेवलपर ने ऑलरेडी पोजीशन दे दिया गया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे D और F टावर की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हर एक टावर में आपका ग्राउंड लेवल पर पार्किंग होगा, पोडियम लेवल पर पार्किंग होगा और उसके ऊपर 15 habitable floors है। और डी टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। और एफ टावर में भी हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। तो प्रोजेक्ट दोस्तों काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है इन वाकड़, और प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरियाज में 500 trees है, जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ ग्रीन्स मिलता है सराउंडिंग एरियाज में। सारे फ्लैट्स जो है वो वेल प्लांट फ्लैट्स है, कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर 30+ मॉडर्न एमिनिटीज दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में दोस्तों जो इकोसिस्टम है वो बच्चों के फिजिकल और इमोशनल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है प्रो किड्स होम्स। तो यहाँ पर जो एमिनिटीज है वो इसी तरीके को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, एट द सेम टाइम इमोशनली स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर का कॉन्सेप्ट ये है, होम्स वेयर चिल्ड्रेन कम्स फर्स्ट। तो चिल्ड्रेन एमिनिटीज में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर दिया गया है, म्यूजिक रूम है, इंडोर गेम्स रूम, क्लासरूम विद लाइब्रेरी, किड्स जिम्नाजियम, पिकल बॉल, किड्स बास्केटबॉल, चिल्ड्रेंस प्ले एरिया एंड रॉक क्लाइंबिंग वॉल। और ऑफकोर्स सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ पर आपको 24/7 सिक्योरिटी दिया गया है। CCTV कैमरा सर्वेलेंस जहाँ पर भी ज़रूरत होगा वहाँ पर बिठाया गया है, एंड मॉनिटर एट एंट्री एंड एग्जिट लेवल। दूसरे, इस प्रोजेक्ट में दोस्तों काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का फिटिंग्स दिया गया है फ्लैट्स के अंदर। एट द सेम टाइम अपार्टमेंट्स के बाहर भी जो एम्यूनिटीज़ होगा वो सारे ब्रांडेड क्वालिटी के एम्यूनिटीज़ होंगे। वेल प्लांट लेआउट्स है, जिसमें कोई वेस्टेज नहीं है, स्पेस का काफ़ी वेल यूटिलाइज किया गया है। और यहाँ पर आपको फ्लैट के साथ में यूज डेक दिया गया है, फ्रेंच कट विंडोज़ दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्राइट लाइट, क्लियर व्यू और क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहे। और सेंटर में जितना भी एमिनिटीज़ आप देख रहे हैं वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है, और यहाँ पर पोडियम लेवल के ऊपर जो एमिनिटीज़ होगा वो करीबन 1 एकड़ स्पेस जो होगा वो एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 लेवल ऑफ एमिनिटीज़ मिलता है। सबसे पहला तो आपको सेंटर में पोडियम लेवल के ऊपर मिलता है, उसके बाद एक एमिनिटीज़ बिल्डिंग 3 माले की बिल्डिंग होगी, 3 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, वो अलग से बिल्डिंग है जहाँ पर आपको एमिनिटीज़ बिल्डिंग अलग से दिया गया है, और उसके अलावा कुछ एमिनिटीज़ रूफटॉप के ऊपर भी दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मास्टर लेआउट में समझ लेते हैं। तो अभी जो बुकिंग चल रहा है वो डी टावर और एफ टावर का चल रहा है। तो डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, और सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये 1 एकड़ का एमिनिटीज़ एरिया है जो कि पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ग्रीन स्पेस आप देख रहे हैं ये भी 3 लेवल की बिल्डिंग है, जिसमें सिर्फ एमिनिटीज़ दिया गया है। तो ये इसका मास्टर लेआउट है। लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सुकवानी स्काईलाइंस जो है ये बिल्कुल आपका बूमकर चौक के बिल्कुल बाजू में है। ये जो मेन हाईवे आप देख रहे हैं ये मुंबई बेंगलुरु हाईवे है। अगर आप मुंबई से आते हो तो आपको बूमकर चौक के ऊपर आना है। यहाँ से आप 2 तरफ से आप राइट ले सकते हो। पहला राइट जब आप लेते हो टूवर्ड्स आशरा इंटरनेशनल स्कूल, तो स्कूल के पहले ही आपको लेफ्ट टर्न लेना है, या तो आप दूसरा राइट अगर आप लेते हो तो आपको यूरो स्कूल वाला राइट लेना है। और जैसे ही आप राइट लेते हो तो आपको दोबारा राइट लेकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। तो सराउंडिंग एरियाज आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मार्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोज बाय फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अगर USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो
तो यूरो स्कूल 300 मीटर की दूरी पर है, अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल 500 मीटर की दूरी पर है, इंदिरा कॉलेज 700 मीटर पर है, इंदिरा नेशनल स्कूल 800 मीटर पर है, विद्या वैली वर्ल्ड स्कूल 1.7 किलोमीटर, श्री बालाजी सोसाइटी कॉलेज 1.9 किलोमीटर, डॉक्टर डी वाई पाटिल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेट्रिक इंस्टीट्यूट 2.1 किलोमीटर, BIMM 2.1 किलोमीटर, राजश्री साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2.7 किलोमीटर, ब्लू रिज पब्लिक स्कूल इज 4.7 किलोमीटर, ओडार इंटरनेशनल स्कूल इज 5.8 किलोमीटर, वेजडम वर्ल्ड स्कूल 6.1 किलोमीटर। और हॉस्पिटल्स में दोस्तों आप देखेंगे तो लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर, सूर्या मदर एंड चाइल्ड केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2.8 किलोमीटर, रूबी हॉल क्लिनिक हिंजवाड़ी 3.8 किलोमीटर, पोलरेसिस हेल्थ केयर 4.5 किलोमीटर, आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल 5.3 किलोमीटर। एंड वर्क प्लेसेस और लैंडमार्क्स में अगर आप देखेंगे तो MNGL CNG पंप 300 मीटर्स, मुंबई बेंगलोर हाईवे 1.1 किलोमीटर, इन्फोसिस 2.7 किलोमीटर, कॉग्निजेंट 2.9 किलोमीटर, विप्रो 3 किलोमीटर, एसेंशियर 4 किलोमीटर, हिंजवाड़ी आईटी पार्क 4.5 किलोमीटर, IBM 4.8 किलोमीटर एंड तथावड़े 5 किलोमीटर। होटल्स वाइज अगर आप देखेंगे तो जिंजर होटल 1.1 किलोमीटर, शाहजी होटल 2.2 किलोमीटर, विवांता पुणे हिंजवाड़ी 2.6 किलोमीटर, कोटियार बाय मैरिट 2.8 किलोमीटर, नूरिया होमोमेटल 5.3 किलोमीटर। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो वाकड़ बस स्टॉप 2.8 किलोमीटर, चिंचवड रेलवे स्टेशन 7.5 किलोमीटर, शिवाजी नगर बस स्टॉप 15.9 किलोमीटर, पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन 18.3 किलोमीटर। एंड फूड्स एंड मॉल्स वाइज अगर आप देखेंगे तो जियोन मॉल 2.5 किलोमीटर, डीमार्ट 2.5 किलोमीटर, बिग बाजार 2.5 किलोमीटर, ब्रांड फैक्ट्री 2.5 किलोमीटर, द एड्रेस कॉमर्शिया 3 किलोमीटर, वाइट स्क्वायर 3.5 किलोमीटर। बैंक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक 2 किलोमीटर, SBI 2.2 किलोमीटर, ICICI बैंक 2.5 किलोमीटर एंड इंदुसिंध बैंक 3.7 किलोमीटर। और अपकमिंग इंफ्रा में अगर आप देखते हैं तो फिनिक्स मार्केट सिटी इज प्रपोज्ड, डी कैटलॉन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज प्रपोज्ड, देन देयर इज डीमार्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी प्रपोज्ड जो कि मेट्रो का काम चल रहा है, हिल्टन होटल इज प्रपोज्ड, सिटी प्राइड CBSE स्कूल इज प्रपोज्ड, पंचशील IT पार्क अगेन प्रपोज्ड एंड ग्लोबल हाई स्ट्रीट एंड शॉपिंग मॉल्स आर प्रपोज्ड। एट द सेम टाइम PCMC गार्डन इज ऑल्सो प्रपोज्ड। तो ये सारा USP है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे डेवलपर ने किचन दिया गया है, जहाँ पर नीचे की तरफ आपको ट्रॉलीज प्रोवाइड किया गया है और एट द सेम टाइम काफ़ी बड़ा सा फ्रिज का स्पेस है और वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविज़न दिया गया है, काफ़ी लार्ज साइज बेडरूम दिया गया है जिसमें अगेन आपको फ्रेंच कट विंडो मिलता है और लिविंग स्पेस में भी आपको यूज डेक और फ्रेंच कट विंडो दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी बड़ा सा इन्फिनिटी पूल दिया गया है, सराउंडेड बाय लश ग्रीन्स विद सम सिटिंग डेक्स। और एडिशनल फीचर्स में आप देखेंगे वाटरफॉल दिया गया है स्विमिंग पूल में, उसके साथ में आप देखेंगे बाउंड्री वॉल जो है थोड़ा सा हाइटेड वॉल रखा गया है ताकि आपको प्राइवेसी मिले स्विमिंग पूल में, और प्लेंटी ऑफ लाइट्स एंड फॉग लाइट्स हैज बीन गिवन। तो रात के टाइम दोस्तों प्रोजेक्ट काफ़ी ग्लैमरस लगेगा। और पीछे की तरफ आप फ्लैट देखेंगे, काफ़ी यूज डेक दिया गया है, तो काफ़ी बड़ा सा डेक है जहाँ पर आप आराम से बैठकर आप एमिनिटीज़ का व्यू आप देख सकते हो। और अगर आप बाहर के फेसिंग का फ्लैट लेते हो तो आपको बिल्कुल ग्रीन का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एमिनिटीज़ जो है वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है, कुछ एमिनिटीज़ जो है वो 3 लेवल बिल्डिंग एमिनिटीज़ है वहाँ पर दिया गया है, और कुछ एमिनिटीज़ रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल एमिनिटीज़ में आपको फुटबॉल कोर्ट दिया गया है, मिनी थिएटर, इंडोर गेम्स विद सिटिंग अरेंजमेंट, उसके अलावा आपको सीनियर्स के लिए जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक मिलता है, सिटिंग स्पेस दिया गया है, को वर्किंग स्पेस होगा, रूफ टॉप कैफे एरिया दिया गया है एंड क्रीचे फॉर द किड्स। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके फ्लोर प्लान के ऊपर। तो फ्लोर प्लान में आप देखेंगे यहाँ पर हर एक फ्लोर में 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK।
हर एक बिल्डिंग में 3 लिफ्ट प्रोवाइड किया गया है और 2 स्टेयरकेस हैज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो सिमिलर इमेज आपका एफ विंग का भी होगा, हम लोग किसी एक फ्लोर प्लान को रिफर करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये आइसोमेट्रिक व्यू है ऑफ 2 BHK, जिसका कारपेट एरिया है 756 कारपेट एरिया, जहाँ पर आपको हॉल के साथ में भी बैल्कनी मिलता है और बेडरूम के साथ में भी बैल्कनी दिया गया है और किचन के साथ में आपको यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो। और इसका जो प्राइस शुरू होता है दोस्तों 74 लाख से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 3 BHK का जो कारपेट एरिया है वो 938 कारपेट एरिया है, तो इसमें भी आपको 2 बैल्कनी दिया गया है और किचन में यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। 1 बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड किया गया है और इसका जो प्राइस शुरू होता है 97 लाख से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों, पोजीशन डी टावर का होगा जुलाई 2024 में और एफ टावर का होगा मार्च 2025 में। तो दोस्तों, बुकिंग और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।